इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। यहाँ से हाइट कितनी होगी जितना बाजार में खड़ा हूँ? ये पूरा सर्विस करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पटना आ चुका हूँ और पटना आने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है। राजगीर जाने के बाद थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो गया था, इसलिए वीडियो भी एडिट नहीं हो पाया, और आज एक दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, इसके लिए आपसे दिल से सॉरी। और अभी मैं खड़ा कहाँ हूँ? मैं खड़ा हूँ पटना में गंगा किनारे, और ये पानी देख रहे होंगे आप, इस साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो जो पिलर है ना वो गंगा एक्सप्रेस वे यानी कि मरीन ड्राइव का है। आपको बताएं कि हम लोग जहाँ पर आज जा रहे हैं ना, वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस रिंग रोड से कनेक्टिविटी उसकी होने जा रही है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर अभी तक आपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिएगा, और राजगीर वाले ब्लॉग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भैया, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग मिलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीदारगंज से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा आप तो कच्ची दरगाह पहुंचिएगा, लेकिन कच्ची दरगाह से पहले ही इलाका कच्ची दरगाह का शुरू हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले आपको मिल जाएगा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बोर्ड भी लगाया गया है, 6 लेन न्यू गंगा सेतु जो बन रहा है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज हम लोग अभी जा रहे हैं, और यहीं से उसका जो कंस्ट्रक्शन का साइट है वो शुरू हो चुका है। गांधी सेतु के बाद ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा पुल होगा जो कि रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम आप देख सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार हो रहे हैं जो सीधा आपको जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, और जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पर आपको ले के पहुँच जाते हैं। तो बस अभी हम लोग इन करने वाले हैं, थोड़ी सी दूरी पर है, और यहाँ पर अप्रोच रोड का पूरा काम जो है ना वो तैयार हो चुका है। देखिए आगे काम चल रहा है, इतना बड़ा स्पैन, वाह क्या बात है। अब जाहिर सी बात है कि ये 6 लेन होगा तो इसका स्पैन भी बहुत बड़े बड़े होंगे, और इसके ऊपर जो कैप लगाए जाने वो कैप लग रहे हैं। मेगा स्ट्रक्चर है भाई, मेगा स्ट्रक्चर कह लो, सुपर स्ट्रक्चर कह लो, जो भी कह लो आप। और आज ऑफ रोडिंग भी बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये पूरा रिवर बेड है यार। आप सोच रहे होंगे कि यार वीडियो की शुरुआत तो यहाँ से भी हो सकती थी, लेकिन हमने वीडियो की शुरुआत मरीन ड्राइव से क्यों की? मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत इसलिए हमने की क्योंकि ये आगे चल के जुड़ने वाला है उसी में, तो इसलिए उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ से ऑफ रोड तो है ही बहुत ज़्यादा, तो आप लोग भैया बने रहिएगा। बारिश के दिनों में ये पूरा लबालब भरा होता है, और देखिए वो रहा सामने आपको मरीन ड्राइव का जो प्रोजेक्ट है उसका जो पिलर है वो यहाँ तक आ चुका है, और ये आकर के इसमें कनेक्ट होगा। जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। अगर आप दीघा से आ रहे हैं तो मरीन ड्राइव होते हुए सीधे इस 6 लेन पर आ जाएंगे, और उसके बाद अगर आप एक्सप्रेस वे पकड़ के आ रहे हैं, अगर आप टोल रोड से आ रहे हैं तो भी आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं भाई। जेसीबी मशीनें वो रेगुलर काम करने में लगी हुई हैं, यहाँ से बालू निकाला जा रहा है, और ये बालू निकाल करके ट्रक में लोड किया जा रहा है कुछ इस तरह से। भाई फाइनली यहाँ पर पहुंचे हम लोग, अभी दौड़ 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 के हालत खराब होगी। हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए इस रेत को क्रॉस करते हुए आए, हमारा चेतक वहाँ पर खड़ा है। मज़ा तो तब आता है ना जब एक्सप्लोर के साथ साथ थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए। ये जो ब्रिज बन जाएगा उसके बाद अल्टीमेट वाली खुशी होगी यहाँ के लोगों के लिए, खास करके नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या अल्टीमेट वाला व्यू है यार, क्या जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस है। तो भाई साहब हम लोग बैठे हैं अभी रेत के ऊपर, और रेत बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त तरीके से उड़ रही है। और यहाँ पर बैठने का मेन मकसद ये था ना कि यहाँ से पीछे का जो साइड है उसका पूरा व्यू मिल रहा है आपको, और दूसरी चीज़ है कि हम डिटेल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। इसकी लंबाई बहुत मैटर करती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये गंगा पर बनने वाला इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा जो कि 6 लेन रोड को कवर करेगा। इसका जो लेंथ है वो 9.76 किलोमीटर लंबा होगा, यानी कि 6.06 माइल इसकी पूरी लंबाई होगी। मैंने थोड़ा सा लिख लिया था क्योंकि याद करने में दिक्कत होती है यार। अगस्त 2015 से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और नवंबर
नवंबर 2021 यानी कि इसी साल नवंबर तक इसे पूरा कर लिए जाने की बात कही जा रही है। एक्सपेक्टेड जो वर्क प्रोग्रेस जिसको एंड किया जाना है उसका है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं और हमें लग रहा है कि अभी 2 साल और लगने वाले हैं। भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में और कुछ। तो अभी हम लोग एक कैप के ऊपर चल रहे हैं जो ब्रिज का एक जो ये पिलर तैयार हो गया है। हमारे साथ यशवंत भाई हैं क्योंकि थोड़े दिन में मॉनसून आएगा, अभी यहाँ से जो सीढ़ी बनी है ना इससे हम लोग ऊपर चलेंगे। अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, यानी कि अभी ब्रिज तो बना नहीं है, पिलर के ऊपर खड़े हैं और यशवंत भाई हमारे साथ। सर कुछ ब्रिज के बारे में मुझे बताइए। सर इसके 2 चैनल हैं अभी, okay. चैनल पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक काम चल रहा है, बाकी नॉर्थ चैनल में हमारा और ऐसे ही काम चल रहा है। ओके okay. मतलब तो कि इसमें मुझे दिख रहा है उसके बाद भी है अभी। उसके बाद एक और है okay. आपका 5-6 किलोमीटर यहाँ 5-6 किलोमीटर का गैप है, फिर उसके बाद एक और चैनल है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का, और इस साइड में छपरा सिवान तक ये पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये नेशनल हाईवे से भी जुड़ जाएगा। ये पूरा सर्किल क्रिएट करेगा और ये रिंग रोड का पार्ट, ये रिंग रोड का पार्ट, रिंग रोड का पार्ट, ओके, 6 लेन रिंग रोड था, 6 लेन रिंग रोड, जबरदस्त वाली वाइब है यार ऊपर आ गए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एकदम ऊपर में जहाँ पर काम चल रहा है, भाई लोग यहाँ पर हाय कर दीजिए एक बार, हाय, 24 आवर चल रहा है, 24 आवर डे और नाइट, यहाँ से हाइट कितनी होगी जितना बाजार में खड़ा हूँ? 16 मीटर नीचे से लैंड लेवल से। ओ भाई गॉड, यहाँ से नीचे एकदम दिख रहा है भाई, और वहाँ पर भी देखिए जो वर्कर्स है, जेसीबी इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है। ये वो वाला पार्ट है जो कि ऊपर में चल रहा है और इसी से केबल जुड़ेगा ना? अच्छा, इसके ऊपर और लिफ्ट आएगा, यहाँ से 22 मीटर ऊपर है, ओके, तो हाँ तो वहाँ से फिर केबल एक-एक करके वो सामने के सामने आप देख, अच्छा वहाँ पर ना। तो हम लोग अभी यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और ऊपर चढ़ना तो आसान था, नीचे उतरना ज़्यादा टफ लग रहा है। वैसे यहाँ पर जो है ना ये होल किए गए राउंड राउंड जिससे आपका पैर स्लिप नहीं करे। भाई साहब यहाँ से अभी और भी आगे चलेंगे हम लोग, ये तो सिर्फ शुरुआत का पार्ट था जो आप देख रहे थे, अभी आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या हुआ डेवलपमेंट। वैसे आप सोचिए कि हम लोग 60 मीटर ऊपर थे, वहाँ पर अल्टीमेट वाला व्यू था वहाँ से, यार बता नहीं सकता हूँ मैं। तो अभी हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि एक बार वो देखना है ना कि कहाँ पर भैया आखिर वो केबल लगा हुआ है, बड़े बड़े क्रेन लगे हैं भाई साहब और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे पार करूँ। थैंक यू भैया ने हमें कहा कि आप निकल जाइए क्योंकि हमारी गाड़ी तो बहुत छोटी है, हमें पार करने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पर पिलरिंग दिया गया है MP08, MP07, MP06, ये MP09 है। वो यहाँ से तो पानी शुरू हो गया, वो सामने बिदुपुर दिख रहा है, मतलब राघोपुर दियारा शुरू हो जाता है और इसी से आगे बिदुपुर चले जाएंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है जो हम लोग इस साइड में देख रहे हैं और उस साइड में क्या है? उस साइड में भी सेम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे चैनल थोड़ा कम है, ये 350 मीटर का है और आगे जाएंगे तो वो 1 किलोमीटर का चैनल, 1 किलोमीटर। और केबल कहाँ से लगना शुरू हुआ और कहाँ तक लग चुका है फिलहाल? केबल अभी हमारा पेयर नंबर 13 से लगना शुरू हुआ है और 20 तक हम जा चुके हैं। अच्छा, मतलब इसका जो काम सबसे ज्यादा हुआ है वो उस साइड हुआ है, उस साइड हुई, बीच में मिडिल पोर्शन में, मिडिल पोर्शन। अभी एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, बहुत अल्टीमेट वाला व्यू है और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। मैं फर्स्ट टाइम है जब यहाँ पर आया हूँ राघोपुर दियारा के इतने करीब। हियर इज अ चेतक और चेतक बिल्कुल खड़ा है नदी के किनारे, वो आप सामने देख रहे हैं ना वो एक्चुअल में साउथ चैनल है। थोड़ा सा जूम अगर मैं करता हूँ तो आपको क्लियर अब दिखाई दे रहा होगा कि जो केबल एक्सटेंशन है जो कि ब्रिज के बीच में लगना है, अक्सर आप लोग केबल देखते होंगे जो ब्रिज के दोनों साइड में होता है, लेकिन ये जो ब्रिज है ये बन रहा है इसके बीच में केबल होगा और ये इसको सबसे अनोखा बना रहा है। तो ये देखिए भाई कुछ इस तरह का है और हम लोग अभी उस पार चाहें तो जा सकते हैं, वो जो बोट लगी है ना जिसके ऊपर गाड़ियाँ लोड हो रही हैं उसका काम ही है इस पार से उस पार ले जाना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम टेकन होने वाला है तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ना कि यहीं से लौट जाएंगे। जाल लगाया गया और
मछली मारने की तैयारी चल रही है अभी। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो हम लोग अगर गाड़ी से चाहें तो उस पर जा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा उस पर जाने और इस पर आने? रात भर दिन भर यहाँ पे काम चल रहा है जी सर। तो आपका ड्यूटी कब से कब तक है? 12 घंटे है। तो सभी लोग जुटे हुए, चाहे गार्ड साहब हो या फिर जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, सभी लोग इसको जल्द से जल्द बनता देखना चाह रहे हैं। आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? हम तो 4 साल से। 4 साल से, मतलब जब से बनना शुरू हुआ तब से यहाँ पर लगे हुए हैं। सबसे पहले आप ही आए थे, क्या बात है यार। वैशाली रोड जब खुले हैं, मेन रोड ना, वहाँ से वैशाली हो जाए। मतलब कि हम लोग वैशाली में, अभी वैशाली में पटना पीछे छोड़ा है। ड्राइवर साहब, आप यहाँ पे कितना दिन से चला रहे हैं? 3 साल हो गया। 3 साल से इसी पे चला रहे हैं? शुरुआत हमने लोग किया है, जड़ के काम मजबूत हुआ। हाँ, जड़ के काम हो गया ना, जड़ के काम, तो जड़ हो गया तो अब ऊपर भी हो जाएगा। ऊपर के काम अभी क्या है ना कि सबको अलविदा कहने का समय आ गया। हम लोग अभी उस पर से आए थे और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर, इससे पहले मैं नहीं आया था। लेकिन अभी क्या है ना कि यहाँ से निकल रहे हम लोग, तो आपका भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।